बेबिया बोलते थे। यदि महाप्रभु की कथा राधा कृष्ण की लीला कथाओं का पाठ गोस्वामी साहित्य का पाठ नहीं किया जाए कि ये अनधिकार चर्चा है, बहुत ऊपर की बात ऐसे समझ करके नहीं करेंगे, नहीं सुनेंगे, नहीं पढ़ेंगे तो क्या होगा? हमारे घर की संपत्ति घर में तभी रह जाएगी जैसे मिट्टी के अंदर खजाना होता है। वो कभी निकल के नहीं आएगा और न दूसरों के लिए काम करी बन पाए। चैतन्य महाप्रभु जी के जो गुण रहस्य, चैतन्य चरितामृत का जो भाव, वो छिपके रह जाए। जब बचपन में हम मठ में आए थे उस समय लोग राधे राधे नहीं बोलते, कोई बोलेगा तो कान में खाएगा। दसम स्कंद नहीं पढ़ते, कृष्ण लीला कथाओं का कोई वर्णन नहीं करते, सब चुप रहते। चैतन्य चरितामृत के जो विशेष विशेष प्रसंग है उनको भी कोई बोल नहीं सकते, पाबंदी को भी। हमने भी देखा सिरु मंजरी पद सही पुर संपद, इस कीर्तन में भी गुरु जी ने मुझे भी डांट लगा दी। गुरु जी बोले ये जाता है गरले जारल देगी, यही बीस क्या है? तो गुरु जी ने पूछा तो मैंने सोचा मैं उत्तर दे दू, क्यों मेरे समझ में आ रहा था। इतने में और साधुओं ने कहा ये चुप 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 चुप, गुरु जी डांट रहे हैं तुम समझ भी नहीं पा रहे हो। तो इसलिए कोई बात नहीं है। तो गुरु जी उस समय डांट लगाते थे पर वे गुरु जी जबकि मथुरा में आ गए, ब्रज का भाव उनके अंदर में भर गया। तब उन्होंने देखा ये बातें ये रहस्य छिप के रह जाएगा, इसलिए भजन करें, सुने सुनते रहो आ जाएगा। नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, कृति भी सुश्रुषु भी तत्क्षण। तो हमारे गोस्वामी लोग टीकाकार बोलते हैं क्या कृति भी जो साधन भजन कर रहे हैं तो उनको तो आएगा ही, और जो नहीं कर रहे हैं तो बोले अरे चुपचाप सुनते रहो क्या बोल रहा है सुन। तो कान का मैल जो है वो भी शुद्ध हो जाएगा, दूर हो जाएगा, कान का मैल छूट जाएगा, शुद्ध हो जाएगा, फिर समझ जाओ पवन। जैसे भगवान कृष्ण ने कहा यथा यथात्मा परिमृत्यते असल उत्पन्न गाथा श्रवणाभिधान, सुनते रहे चुपचाप सुनो तो सही, सुनते सुनते हृदय मार्जित हो जाएगा, अपने आप हृदय परिमार्जित होगा।
तब शुद्ध भाव को समझ लेंगे, पकड़ लेंगे। चक्षुर जतवाजन संप्रयुक्त, देखो आपने किसी ने काजल नहीं लगाया, आंखों में काजल लगाओगे तो रसनी पड़ेगी और आंखों के लिए ठंडा भी रहेगा और दूसरों को आकर्षित करता है, ये भी एक सौंदर्यीकरण है। केवल ब्यूटी के लिए नहीं, आंखों के लिए भी लाभकारी है। माताएं बहनें सोने की चूड़ियां पहनती हैं, साधु बने हो आपके आपके हाथ में नहीं है, आपने लिए है। पर गुरु जी बोलते हैं देखो ये माता बहने सोने की जुड़िया पहनती है और मसाला पीसती है, थोड़ा पानी डाल करके हाथ को धो देती है। बोले वो क्या हुआ? बोले भाई सोने का वो धुला हुआ पानी चला गया तो बॉडी के लिए हेल्थ के लिए सबको लाभकारी हो गया। ये कोई बुराई नहीं है, कोई गलत नहीं है। आज की नई दुनिया नई पीढ़ी की बातों से हमें पागल क्यों बनना है जो हमें भागवत की बात सुना। बोले मेडिसिन खाने पर वो अपना काम करेगा, जाने चाहे न जाने, तो मेडिसिन तो अपना काम करता है। ब्रज गोपियों की कथा सुनने से हृदय अपने आप शुद्ध होगा। ये जो बीमारियां हैं ये बीमारी सारे दूर हो जाएंगे। बोले नहीं जानते हैं, बोले नहीं कोई बात नहीं, सुनो सुनते समझते नहीं। अभी हम चल रहे हैं श्री राधा रस सुधा निधि की कथा की ओर। कल इसमें वर्णन हो रहा था एक साधक व्यक्ति भजन पूजन साधन करता, ऊपर से जो भजन पूजा पाठ है ये भक्ति के अंग है। भक्ति के अंगों में कितने अंग? 64 प्रकार के भक्ति अंग दिखाए गए। 64 प्रकार के भक्तियों में पहले 10 प्रकार की गुरु सेवा में चला जाता, फिर 32 प्रकार के सेवा व्रत को देते, 10 प्रकार के नाम अपराध को देखो तो कितना हो गया? बोलो बेटे जानना है बहुत भाई, कितने हो गए? 10, 10, 20 और 32 कितना होगा? 52 हो गया। और बचा कितना? 12 तरह की भक्ति के अंग रहेंगे। तो 12 प्रकार के जो 64 प्रकार की भक्ति है, तो बोले उनमें 9 को लीजिए, नवदा भक्ति को श्रवण कीर्तन स्मरण अर्चन वंदन दास शंख आत्मनिवेदन, 9 प्रकार की भक्ति, तो कितना हो गया? अब बचा कितना? 12 में से 3 बच गया। अब 3 को लीजिए भक्ति अंग में, धात्री गो अश्रद्ध सेवा, धात्री यानी आमला और आमले का पेड़ पूजा करते हैं,
गायों की पूजा करते हैं, असत अर्थात पीपल की पूजा करते हैं। ये भी भक्ति अंग में मान लिया गया कि ये भक्ति की ऐसा है, इसकी बुराई मत करो। भी एकादशी आदि व्रत का पालन कर, भगवान के तिथियों में व्रत करना ये भी एक भक्ति का अंग है। तीसरे नंबर में जैसे ब्राह्मण सज्जन अतिथि इनकी सेवा करना, भले इनका भी आदर करो अनादर नहीं, ये भी भक्ति के अंगों में है। तब कितना हो गया, 64 हो गया ना। तो 64 प्रकार के भक्ति अंगों का पालन किया जाए। ऊपर से हम साधक रूप में पूजा पाठ भक्ति जो चाहे हमसे जितना बने हम कर रहे हैं, ये भी भक्ति। महाप्रभु जी क्या बोले, भजन करने वालों को दो चीज अति आवश्यक, दो प्रकार के भक्ति का पालन करना होगा। एक साधक शरीर के द्वारा, दूसरा सिद्ध स्वरूप के द्वारा। अभी कोई व्यक्ति नया है, उसको कोई सिद्ध स्वरूप का पता ही नहीं, पर श्री चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं कि देखो भजन करना है तो दो तरह से करो। दो तरह से क्या, बाह्य साधक देहे करे श्रवण कीर्तन, बाहरी रूप से आप साधक शरीर में हैं, कोई पुरुष है पुरुष रूप में, कोई महिला है महिला रूप में, ये बदलना नहीं है। बहुत से लोग अपनी वेशभूषा को बदल लेते हैं, पुरुष महिलाओं का कपड़ा पहन करके महिला बन करके ये बदल, बोले ऐसा नहीं। जो जिस रूप में है उसी रूप में रह करके अपना भजन पूजा पाठ करें, जितना बने आप करते रहे, ये साधक शरीर। मन निज सिद्ध देह करिया भाव, रात्रि दिन सेवे प्रजे राधा कृष्ण ही चरण। ये तो ऊपर का भजन हुआ। दूसरा भजन अंतर देह का, मोने निज सिद्ध देह करिया भाव, मणिमान सिद्ध देह की भावना करके भजन करते। अब कोई व्यक्ति जब मणिमान सिद्ध देह की चिंता करने लगेगा तो उसको दूसरी बात की और चिंता नहीं होगी। सिद्ध देह की भावना क्या है, मैं राधा जी की किंकरी हूं दासी, मैं यशोदा मैया की भांति बाल गोपाल कृष्ण को बाल भाव से सेवा करते हैं, कोई वात्सल्य भाव की भावना, कोई सखाओं की भावना में शक्कर में सुबल सिद्धाओं के अनुगत हो करके मैं सखा बन करके कृष्ण के साथ, तो ये सब भावना। अब अपने आप मन के साथ इसका चयन होता है कि मन को क्या चाहिए, कौन सा पसंद है,
उन सब भावों से अच्छा लगता है। तो इसी भावना को आश्रय करके राधा जी के अनुगत होकर भजन करते हैं। उस समय जितनी लीलाएं हैं, जो कुछ भी है, मनी मन चिंतन कर, उसी चिंतन के साथ भजन कर। जैसे आप पूजा पाठ करते हैं, आप मंदिर में प्रवेश किए, पूजा की तैयारी कर ली, अब बैठ गए आसन, तो क्या करेंगे? पहले आचमन लें, पानी छिड़काएं, शुद्धि करें। बहुत शुद्धि, बोले क्या शुद्धि? कि मैं ब्राह्मण नहीं, क्षत्रिय नहीं, वैश्य नहीं, शूद्र नहीं, गृही नहीं, वानप्रस्थ नहीं, ब्रह्मचारी नहीं, सन्यासी भी नहीं। ये सारी बातों को मन से निकालो। निकालने के बाद में फिर मैं कौन हूं? गोपीजन वल्लभ कृष्ण के दासों का अनुदास सेवक, सेवा कर। जब वृंदावन का स्मरण कर रहे हैं, राधा गोविंद का स्मरण कर रहे हैं, तब क्या हो रहा है कि राधा गोविंद देवरत्न सिंहासन में विराजमान, वे कल्प वृक्ष के नीचे रत्न सिंहासन में अवस्थित है, विराजमान। वे क्या करते हैं? विराजमान है, बैठे सभी सखियां चारों से घेर करके उनकी सेवा कर रही। गुरु जी ने मुझे आदेश दिया, उनके आदेश से मैं उनकी सेवा पूजा करने आई। क्या है तो ये भक्त कि गुरु जी का आदेश लेकर के मैं पूजा कर रहा हूं, मनी मन भक्त। तो एक स्वरूप, एक ध्यान, एक पूजा, भगवान के एक स्वरूप को एक ध्यान में रख करके एक तरह की पूजा हो गई। आसन पुष्पांजलि पात्र अर्घ अर्पणीय मधुपर्क स्नानीय स्नान कराकर कपड़े आदि पहना रहे हैं, वस्त्र आभूषण आदि दे रहे हैं, फिर तुलसी पुष्प आदि दे करके मंत्र के साथ उनका पूजन कर रहे हैं। ये सब पूजा भोग रहा है, धूप दीप से आरती, ये सब नियम, ये पूजा का नियम। परंतु इस पूजा के साथ में अंतर हृदय से जितनी जितनी लीलाओं का चिंतन करेंगे, उतना ही हम अपने को उनके पास पाएंगे कि मैं घर में नहीं, गांव में नहीं, शहर में नहीं, मैं कहां राधा जी के साथ जावट में हूं, राधा जी की संगिनी अनुचरी, उनकी सेविका बनकर हम उनकी सेवा कर। यहां क्या हो रहा है? शरीर से पूजा अर्चन, वहां मन से अंदर से उनकी सेवा। हमेशा राधा जी के साथ जामर से नंदगांव की अंजार, तो टेर कदम पर राधा जी नंदगांव जाती है, यशोदा मैया से उनका मिलन होता,
माँ उन्हें कैसे प्यार करती है, उसके प्रसंग रसोई घर में जाके राधा जी सखियों के साथ में रसोई बनाती है। एक साधक व्यक्ति यहां बैठा हुआ है, अपने घर में प्रसाद बना रहा है, भोजन बना रहा है, उनसी बात की सोच रहा है, कहां सोच रही है, मैं यहां नंदगांव राधा जी के साथ में रसोई घर में रसोई बना रहा। तब बाहरी बातें समझ में आएगी, ये उस समय चिंता होगी, दूसरी बातों की कोई चिंता ही नहीं रहेगी। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा, देखो भजन ऐसे ही ऊपर से हरे कृष्ण का माला हिला रहा है, और हमने 1 लाख जप लिया, 3 लाख जप लिया, अरे बिगाड़ गए, पाखंडी बन गए, क्या किया। हृदय तो भीगा नहीं, पत्थर जैसा सूखा पड़ा रहा था, ऊपर से दिखावे नहीं, दिखावे करने से हो जाता है भैया। इसलिए गुरु जी बोलते थे, देख ये सभी पागल है, पागल और पागल की तरह दुनिया है, और पागल पर रहा है, भजन की बात तो अंदर में प्रवेश करो। चैतन्य महाप्रभु जी की बातों को लो पहले, वो क्या बोल रहे। जब रघुनाथ दास गोस्वामी पाद ने कहा कि प्रभु हम कैसे भजन करें, हम तो आ गए आपके चरणों, हमें तो कुछ पता नहीं, आप कुछ बताए, तब महाप्रभु जी ने सारी बात कह दी। और उसी को श्रील रूप गोस्वामी पाद ने वर्णन किया, परंतु आजकल के कुछ मूर्खों को ये पता नहीं, अपने स्वाभिमान का भी भांपते रहते। पहले भजन के रास्ते को सही करो, क्या है भजन, क्या है भक्ति, श्री भक्ति रक्षा में सिंधु आदि का तो अनुशीलन हो जाए, तब तो भक्ति के विचारों में प्रवेश होगा। ये तो है नहीं, जानते भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, इसलिए सब कुछ खिचड़ी पकाए हुए, या तो बाहरी दुनिया में, तो क्या कर रहा है बाहरी दुनिया में, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण गो गो टका टका गो गो टका टका, गौर गौर कर रहा है और टाका टाका कर रहा है, मानी मानी है ना। बोले ऐसे भजन नहीं होगा, अंदर में प्रवेश करें, क्या है भजन, कैसे भक्ति हो, कुछ मानसिक रूप में चिंतन भी हो, भावना हो, प्रार्थना हो, तब तो उसमें प्रवेश हो। इसलिए यहाँ वर्णन कर रहे हैं कि दो प्रकार से भजन, एक साधक शरीर से, एक अंतर के शरीर से, अंतर करता है। जब भगवान का चिंतन करेगा, मनन करेगा, उसमें खोया हुआ व्यक्ति, उनको बाहर का कोई पता चलेगा, अब धीरे धीरे अंदर प्रवेश करता चला, बाहर के चीजों से बहुत दूर होता जाएगा, अपने आप त्याग वैराग्य भक्ति सब कुछ आ जाएगा। नहीं तो दिखावे का वैराग्य, दिखावे का त्याग और भक्ति भी दिखावा मात्र है। अंदर कितना प्रवेश किया, कितने गहरे पानी में डूबा हुआ है,
यही देखने का विषय है। तो भक्त एक ही साथ महाप्रभु जी की लीला और राधा गोविंद की लीला दोनों का स्मरण और दोनों की प्रार्थना करते हैं, दोनों जगह खोए हुए हैं, डूबे हुए हैं, सेवा कर रहे हैं। इस तरह से भजन करते करते भाव की सिद्धि होगी। शरीर छोड़कर जब जाएंगे तो कहां जाएंगे? गौर लीला में उनके परिकर बनकर और राधा कृष्ण की लीला में राधा जी के परिकर बनकर दोनों जगह दोनों स्वरूप में प्रवेश हो जाए। अन्यथा अभी गड़बड़ाए हुए हैं कि किधर का भजन करें, किसका भजन करें। कोई लोग बोलते हैं भाई हम गौर निताई का भजन करें या राधा कृष्ण का भजन करें, हमें भी तो डाउट पड़ा हुआ है, हम किसका पूजन करें, किसको भोग लगाए, कहाँ जाए। सब तरह की खिचड़ी पकी हुई है, अभी तक कोई निर्णय भी नहीं कर पा रहे हैं। जब गुरु जी से मंत्र लेते समय इन सारी बात को सही करना पड़ता है और वैसे ही चलना। इसलिए इन बातों को सुना करें तब काम होगा। आधाय मूर्धनि जदा पुरुदार गोप्य कामं पदं प्रिय गुणै रविपिञ्छ मौनि भावोत्सवेन भजतं रसकामधेयं तं राधिकचरणरे मनुस्मरा तम राधिका चरण रे महम स्मरा। आधार मूर्धनि जत गुरुदार गोप्या उदार स्वभाव वाली ब्रज की गोपिया राधा जी की चरण धूलि को अपने सिर पर लगाती है। तब श्री कृष्ण के प्रिय गुणों को प्राप्त करके निर्मल चित्त होकर कृष्ण दास को प्राप्त करने की श्री कृष्ण की सेवा उनको मिलती है। इस प्रकार राधा जी का जो भाव उत्सव है उसी उत्सव में सम्मिलित है। भाई रोज दिन भंडारा होता है, खिला पिला जाता है। बोले क्या हो रहा है भाई, यहाँ उत्सव चलता है। कौन सा उत्सव? खाने पीने का उत्सव। अच्छा अच्छा खाने पीने को मिलता है। बंगाल में जाए तो जितने भी बंगाली लोग हैं साधारण व्यक्ति बाहर के साधु लोग आ गए देख करके बड़े खुश होते हैं, उदम मचाते हैं। बोले क्यों? बोले कि भाई साधु आ गए, अब पनीर का रसा बनेगा, छना रसा बनेगा। तो अभी जो पनीर का रसा बनता है ये नहीं पनीर, छना बनता है दूध का, असली गाय का दूध उसका पनीर बनाएंगे छना, और उसी का सब्जी बनाएंगे उसका टेस्ट जो है दूसरा है, और ये पनीर का ये तो बेकार है रावी से, और बाजार के दूध का जो पनीर बन रहा है और उसका जो, बोले वो भी गया बीता हुआ, उसका कोई कीमत नहीं। बंगाल में जब पनीर का सब्जी बनेगा भाई उसको खा करके लोग पागल हो जाते हैं,
दौड़ेंगे भागेंगे, बोले हमें और चाहिए और चाहिए, और हल्का सा गरम मसाला दे दिया पनीर का सामने था, तो वो पनीर का और यहाँ के पनीर का बोले आकाश, बोले दिन और रात आकाश पाताल का अंतर है ना। बोले यहाँ के पनीर देखो तो हाथ लगाने को अच्छा भी नहीं लगेगा, चाहे कितना ही काजू बादाम डाल करके और पनीर का सब्जी बना रहे हैं, शाही पनीर बना रहे हैं, तो भी मजा नहीं आएगा, क्यों कुछ भी नहीं है, कोई टेस्ट नहीं है। तो ऐसे ही भावो सबत परा, भाव का उत्सव, वो उत्सव भक्तों के मन में होता है। भाव क्या है? आठ प्रकार का सात्विक, अश्रु कंप पुलक रोमांच वैमन बेपथ मूर्छा, सतत से निकलने वाला, हृदय से निकलने वाला भाव, भगवान के लिए आंखों से आंसू आता है, आंखों में आंसू आता है, शरीर में कंपन होता है, पुलक होता है शरीर में, रोमांच रोंगटे खड़े हो जाते हैं, वैवर्ण शरीर में विवर्णता आ जाती है, बेपतु शरीर में कंपन होता है, फिर मूर्छा हो जाती है, जमीन में गिर जाते हैं, मूर्छित हो जाते हैं, पेंटिंग। तो क्या होता है? आठ प्रकार का सात्विक भाव होता है जब हृदय से निकले, उन कथाओं पर सुनते सुनते उसमें डूबे हुए। चैतन्य महाप्रभु दक्षिण यात्रा में गए, साउथ में कहीं एक जगह एक ब्राह्मण ने अपने घर में महाप्रभु जी को बुलाए कि आज दोपहर को आप प्रसाद ग्रहण करें। महाप्रभु ने अच्छी बात आओ, अब दोपहर होने जा रहा है, 11-12 बजने जा रहा है, बोले कि चलो उनके घर चल प्रसाद पा के आएंगे। महाप्रभु जी गए, देखा कि ब्राह्मण बड़े उदासी मन में बैठा हुआ है, क्या बात है, बड़े चुपचाप उदासी है। तो इसका क्या हो गया था? न कुछ बोल रहे, न कुछ कर रहे हैं, न महाप्रभु जी को कोई रिस्पेक्ट दिया, न कुछ। महाप्रभु आगे चुपचाप बैठे हुए, थोड़ी देर में पूछा कि हे ब्राह्मण देव, आज आपने मुझे बुलाया, निमंत्रण किया था, मैं तो आ गया, घर में आपने प्रसाद बनाया या नहीं? जो आपने निमंत्रण दिया है, कोई प्रसाद बनाया या नहीं बनाया? बोले आज प्रसाद बना नहीं पाया, आज मेरा मन भी बड़ा भारी हो गया, बहुत दुखी हो गया, सुबह सुबह मैं आकर के रामायण के प्रसंग को पढ़ा, और वही प्रसंग जहां खलनायक रावण ने सीता को चुराया, हरण कर लिया, सीता जी को चुरा कर ले गए श्री राम और लक्ष्मण, सीता जी के विलाप में बड़े रोए,
लक्ष्मण ने कोई लकड़ी लाए नहीं तो मैंने भी रसोई बना नहीं पाया। वहां प्रभु जी बोले, आपका भजन ये सही है, सच्चा भजन है कि भगवान की कथाओं का अनुशीलन और उस अनुशीलन के साथ साथ उसी में खो गए डूबे, इसी भाव में डूबे हुए, यही है उत्सव। बहुत कुछ खाया पिया पेट भुला लिया, ये भंडारा नहीं है। उत्सव तो वही है राधा जी के भाव के द्वारा उत्सव, उन्हीं भाव में डूब गए तो इसको कहेंगे भजन। तो भावोत्सवीन भजता, भाव रूपी उत्सव के द्वारा भजन कर रहे, तो इसलिए कहते हैं अब वो कौन है कि राधा जी। तो रस के सिद्धि कहां से होगी, राधा जी के चरण से। इसलिए हम भी उनके चरण धूलि का स्मरण करते, राधा जी की चरण रेणु से एक ऐसी महिमा है कि स्फूर्ति होती है। कैसी स्फूर्ति होती है, आप ब्रज पे जाएंगे, ब्रज ढोल को आप लगाइए, वहां जाने से ऑटोमेटिक रूप में मुंह से राधे राधे निकले, हवा में वायुमंडल में सर्वत्र राधे राधे ही निकलता है, अपने आप निकलेगा। आप ब्रज में जाते छोटे छोटे बच्चों को आपने देखा, छोटे छोटे बच्चे राधे राधे कर रहे, उन्हें देख करके आपने यदि नहीं किया, नहीं कुछ कहा, तो वो भी एक अपमान होता है कि उन्होंने तो राधे राधे कहा पर आपने कुछ बोला ही नहीं। कौन से दम भी कर अहंकारी है, बंगाल में जाकर के आप कहीं किसी को राधे राधे कहिए तो कोई जवाब ही नहीं मिलेगा, बहुत कम गिने गिने व्यक्ति होंगे कोई राधे राधे बोला नहीं मिले। जय मां काली, जय मां दुर्गा, जय मां तारा बोल देंगे पर कोई राधे राधे नहीं बोलेगा। बोले क्यों, बोले वहां के धूल में राधा जी की स्फूर्ति नहीं होगी, सब काली के उपासक मां तारा के उपासक, राधा जी की उपासना करने वाले कहां, व्रत के धूल में ये प्रभाव। और राधा जी की चरणधूलि को पाले तो और क्या बात। इसलिए राधा जी के चरण धूलि की एक अपूर्व महिमा है,
श्लोक के पूर्वार्ध में कहा उदार गोप्य, गोपियां भी बड़े उदार स्वभाव की, जत मूर्धनि आदाय पिंच मौली प्रिय गुणैरपि कम्मं पदम आप। जो कि प्रिय गुणों के द्वारा कृष्ण के सभी गुणों से युक्त है, बोले कैसे? ये जितने व्रत की गोपियां राधा जी के चरण धूलि का आश्रय कर अपने मस्तक में लेकर तब बहुत से गुणों को धारण करती है, बोले कि जो कोई व्यक्ति भक्ति करता है तो उनके अंदर में सभी सद्गुण देवताओं के साथ में आ जाते हैं। खराब भक्त से कुतो महदगुणा, जो भगवान का कभी भजन किया ही नहीं, करता नहीं, उनके अंदर में कोई महदगुण होगा? पहले कर्मों के द्वारा जितने अच्छे अच्छे जो कुछ भी है वो भी खत्म हो जाता है, चला जाता है। भगवान की सेवा तो की नहीं, भजन तो किया नहीं, भक्ति तो की नहीं, इसलिए जितने भी अच्छे गुण हैं सब दुर्गुण में बदल जाता है, विगुण में बदल जाता है। आज इसलिए समाज में यही हो रहा है। देखिए अच्छे अच्छे बड़े बड़े साधु, भाई साधु तो बने हैं परंतु भगवान का भजन करते हैं या नहीं, भक्ति करते हैं या नहीं, वैष्णव है या नहीं? बोले वैष्णव नहीं। साधु किसको कहेंगे? जो कृष्ण को मानता है, कृष्ण की कथा सुनाता है, कृष्ण का भजन करता है, वो साधु है। बहुत से देवी देवताओं की पूजा करता है वो देव पूजक देवी पूजक होगा पर साधु नहीं बनेगा। कृष्ण का भजन करेगा तो साधु बनेगा, को मानता है भजन करता है साधु भी है। बोले वैष्णव बन गया या नहीं? नहीं बना। जो कोई व्यक्ति गुरु जी से वैष्णव गुरु से मंत्र दीक्षा ले और भजन करे वही व्यक्ति वैष्णव। वैष्णव का लक्षण क्या है? भगवान का पूजा पाठ करने वाला, विधिवत। अब पूजा पाठ नहीं करता है तो वैष्णव नहीं है। फिर व्यवहार गुणों से युक्त तब मीडियम वैष्णव। भगवान को दर्शन करने की योग्यता जिनके अंदर है वो उत्तम अधिकारी वैष्णव। वैष्णव तो बन गए, अभी प्रेमी बना या नहीं? अभी आया नहीं प्रेम। जिनके अंदर ममता है वो प्रेमी। भगवान के प्रति कितनी ममता है वो चीज देखी जाएगी तब उससे प्रेमी बनेगा। एक प्रेमी भक्त डिवोटी बनने की उनके अंदर ममता चाहिए। कृष्ण के लिए उनके अंदर कितनी ममता है, कितना प्यार है, कितनी उत्कंठा है, तब तो भक्ति देखी जाएगी। तो ये बड़ी बात है। गोपियां राधा जी के चरण धूलि को स्पर्श करने से
उन्हें सभी प्रकार के सद्गुण मिल गए। उन गुणों से युक्त होकर के तब कृष्ण की सेवा करते हैं, कृष्ण उनकी सेवा को ग्रहण करते हैं, अन्यथा नहीं होगा। बोले हमने देखा गुरु जी की बहुत से शिष्य शिष्या भाई, जिन लोगों ने थोड़ा सा भी आश्रय दिया, अनुगत में रह करके चलता है, चल रहा है, वो तो ठीक है। बहुत से लोग अपने अपने स्वानुमान के कारण कोई अनुगत नहीं, अपने अपने मन मौजी करते चलते फिरते। तो बोले भाई बड़ा भयंकर है, इनसे थोड़ा दूर रहो, हाथ जोड़ो, थोड़ा दूर रहना चाहिए। बोले क्यों? तो अपने अपने मन मर्जी करते रहते। जो कोई बड़ों के कम से कम आश्रम में रह करके चलता फिरता है सब ठीक है, और जो कोई व्यक्ति अहंकारी अभिमानी बनता है बोले जा दूर भाग, गेट से बाहर, वही हो रहा है। तो भक्ति बहुत दूर और भाव को भी संभव, इसलिए भक्ति को अनुगतमय होना है, ऐसे नहीं। वहां जाकर के राधा जी का आश्रय लिए बिना जैसे संभव नहीं, यहां भी गुरु वैष्णव का आश्रय लेकर चल तो काम बनेगा। और जो कोई अपने मन मर्जी चल रहे हैं फिर रहे, अच्छा है चलते रहो, कोई बात नहीं। इसलिए सब हाथ धो करके बैठा हुआ है, गुरु जी की कृपा मिलेगी कैसे? अनुगत में आश्रम में तो चल, जब ये नहीं होगा तो गड़बड़ी होगी। तो गोपियां राधा जी के चरण रेणु का आश्रय करने के कारण सभी गुण उनके अंदर आ गए और उन गुणावलियों के साथ भी कृष्ण की सेवा करती। इसलिए गोपियों के प्रेम को आत्मेंद्रिय प्रतिवासना सुन्न निष्काम प्रेम कहा गया। एक सकाम प्रेम, दूसरा निष्काम प्रेम। आत्मेंद्रिय प्रीतिवंश नहीं गोपिका, कृष्ण शुद्धि करे संग बिहार। कृष्ण लग आर सब करी परित्याग, कृष्ण सुखे तू करे शुद्ध अनुराग। आत्मेंद्रिय प्रतिवंश अपने सुख की लालसा, अपनी चाह, अपना मतलब, ये गोपियों के अंदर नहीं है। कृष्ण का प्रतिविधान करने के लिए, उनको सुख देने के लिए उनसे मिलते जुलते। कृष्ण के लिए गोपियों ने सब कुछ त्याग दिया और कृष्ण सुख के कारण उनके हृदय में शुद्ध अनुराग, अपना सुख और कृष्ण का सुख। भक्ति भजन क्या है? भगवान का प्रतिविधान कृष्ण सुख के लिए, उनका सुख छोड़ करके
जहां कहीं अपने सुख का मतलब तो वहीं गड़बड़। तो गोपियां कभी कुछ चाहती थी कृष्ण से कि हमें रोटी कपड़ा मकान मिले, हमें घर परिवार बच्चे मिले? उन लोगों ने कभी नहीं चाहा। इसलिए कृष्ण अनुराग के प्रबल प्रेरणा में सभी धर्मों को तिलांजलि दे दिया। गोपियां कृष्ण सेवा के लिए पागल बन गए। लोक धर्म वेद धर्म देह धर्म कर्म दुष्ट जया जप हर निज परिजन लज्जा धैर्य देह सुख आत्म सुख मर सर्व त्याग करी करी कृष्ण रो भजन कृष्ण सुख हेतु करे प्रेम सेवा के कहिए कृष्ण दृढ़ अनुराग स्वच्छ धौत वस्त्र नहीं को लोक धर्म वेद धर्म यहाँ के शरीर धर्म संसार का कर्म लज्जा धैर्य देह सुख अपना सुख सब कुछ त्याग गुरुजन आर्य पथ अपने परिजन परिवार सब कुछ त्याग बंधु बांधव चाहे कितनी ही लांछन गंजन सुनाए ताड़न भक्षण करे सब कुछ छोड़ करके कृष्ण का भजन करे। कृष्ण सुख के लिए प्रेम पूर्वक कृष्ण की सेवा करते यही है गोपियों का शुद्ध अनुराग। जैसे सफेद कपड़े में कोई दाग नहीं ऐसे गोपियों का हृदय विशुद्ध निर्मल वेदा कोई दाग तब तो कृष्ण के प्रति इतना प्रेम। अब इससे आगे का वर्णन आगे किया जाएगा। कल नरसिंह चतुर्दशी है तो व्रत उपवास अभी महाराज जी ने बता दिया एकादशी की तरह करे। गर्मी को ध्यान में रखते हुए जो जैसा चाहे वैसे करें। मथुरा में तो हम लोग दिन भर निर्जल रह करके शाम को अभिषेक के साथ पानी पीते थे, पर तो यहाँ इतनी गर्मी को सहन करके सबको रहना बड़ा कठिन है। इसलिए पानी के लिए फल के लिए भी छोड़ देंगे कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत कोई फल ले ले या पानी ले ले उसमें कोई बुराई नहीं। फिर भी व्रत को करना अति अनिवार्य है। तो व्रत को अवश्य करें और शाम को यहाँ पर मंगल आरती के पश्चात मंगल आरती के पश्चात 5:30 बजे से 7 बजे तक भागवत की कथा होगी सप्तम स्कंद से। फिर और महाराज लोग प्रवचन करेंगे और शाम को 4 बजे से यहाँ बैठ जाऊंगा। इसलिए जो कहीं आएंगे तो भागवत की कथा सुनेंगे। तो इसलिए मेरा निवेदन कि आप लोग 4 बजे से आके बैठे कुछ भागवत की कथाओं को सुने प्रहलाद की कथा, इसके पश्चात शाम को कीर्तन के साथ अभिषेक होगा, अभिषेक के पश्चात चरणामृत और महाप्रसाद आदि
सबको दिया जाएगा। ऐसे ही कार्यक्रम रहेगा आज नहीं तक। गौर प्रमाणानंदे हरि हरि।